WG40. मैं मूड ट्रेन को ओवरटेक कर तो ये रही है बड़ भाई, ये देख लो भाई क्या ही प्यारी क्रॉसिंग है। चलो भाई यहाँ पे हॉन्ग के साथ फिलहाल प्लेटफॉर्म 1 के अंदर एंट्री कर चुकी है हमारी लोकल मीमो ट्रेन। एक्सीडेंट हुआ है गाइस यहाँ पे फ्रेट ट्रेन का, थैंक यू ब्रिज के ऊपर। लेट्स सी भाई देख के आते हम लोग। अरे तेरी भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया भाई। हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लोकल ट्रेन के साथ, जो कि हम लोग चलाने वाले हैं ट्रेन नंबर 07462। यहाँ पे भाई लोकल ट्रेन है और आप देख सकते हो इसकी जो आप फूल वगैरह आपको दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो रैक्स है या जो ICF रैक्स आपको आज दिख रही हैं आज के एपिसोड में, ये चेंजेस होने वाली हैं गाइस। तो मतलब कि इस रूट के अंदर जो भी लोकल ट्रेन चलेगी अगले दिन से उसमें भाई अलग रैक्स मिलेंगे आपको। तो चलिए भाई फटाफट हम थोड़ा सा पहले चलते हैं यहाँ पे हमारे लोको पायलट की जगह पे। और फिलहाल गाइज हमको जाना है यदाद्री स्टेशन से निकल के, नेक्स्ट स्टॉप हमारा गाइज होने वाला है वंगापल्ली स्टेशन। तो गाइज फिलहाल आप देख सकते हो हमारा टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है गाइज 10:57 और हमारा निकलने का टाइम है 10:58। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो है हॉन्क दे देता हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो पहले में तो भाई मैं यहाँ पे गेट्स खोल लेता हूँ, ठीक है। तो गेट्स गाइज मैंने यहाँ पे खोल लिए हैं और यहाँ पे भाई मैं ये वाला भी भाई गेट खोल लेता हूँ ताकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा हवा हवा आती रहे। आपको पता है भाई गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है, तो हम भाई बिल्कुल नहीं चाहते भाई एकदम गर्मी वगैरह हो हमारे इसमें लोको में। तो चलो भाई यहाँ पे लाइक टाइम हमारा हो चुका है, फिलहाल मैं रिवर्स और फॉरवर्ड दे देता हूँ, ब्रेक्स कर देता हूँ रिलीज और 25% के साथ बढ़ाना चालू करता हूँ। तो गाइज पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ डोर व्यू के अंदर, पैसेंजर व्यू और डोर व्यू के अंदर। यहाँ पे गाइज ये रहा पैसेंजर व्यू और यहाँ पे मैं आपको लेके चलने वाला हूँ डोर व्यू के अंदर ताकि आपको और तगड़े तरीके से जो है व्यू आए। ये लो भाई फिलहाल हम आ चुके हैं डोर व्यू के अंदर और हम गाइज यहाँ पे छोड़ रहे हैं फिलहाल यदाद्री स्टेशन को। और अगर आप देखोगे सामने से कोई तो गुड्स ट्रेन आ रही है गाइज WDG40 के साथ, तो गाइज आप लोग एंजॉय करिए यहाँ पे बेहतरीन क्रॉसिंग WDG40 मालगाड़ी के साथ, WDG40। राइट गाइस तो यहाँ पे भाई ट्रिपल WDG40 थे भाई, लास्ट में भी आपको देख लिया ना कि यहाँ पे एक और WDG40 था। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल अपने को स्पीड लिमिट जो है दे दी गई है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो यहाँ पे भाई फटाफट जो है मैं थ्रॉडल थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, इनफैक्ट मैं इसको अब डालता हूँ 90% पे और अभी भाई हमारी जो ट्रेन है ना गाइस वो गति पकड़ना स्टार्ट करेगी। तो गाइस हमारा जो रन होने वाला है वंगापल्ली तक वो होने वाला गाइस 5 किलोमीटर का। तो इससे पहले हम लोग गाइज वंगापल्ली पहुंचे, गाइज आप लोगों को फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है ट्रेन लवर्स के साथ, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको भाई फोड़ देना है, ठीक है। तो चलो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे फिलहाल हमारी ट्रेन है अच्छी खासी कर्व पे और क्या ही भाई बेहतरीन लग रही है, हमारी लोकल ट्रेन है भाई। आप लोग जरा ये देखो यहाँ पे पूरा भाई जबरदस्त फील आ रहा है यहाँ पे लोकल ट्रेन का भाई। यहाँ पे एक हैंडल वगैरह है पकड़ने वाले पूरा, मतलब आप देख सकते हो हर एक अच्छा खासा लाइक हैंडल्स दिया गया है, बड़े बड़े गेट्स हैं जैसा कि लाइक होते हैं यहाँ पे लोकल ट्रेन के अंदर और अच्छी खासी लाइक रफ्तार है फिलहाल गाइज हमारी ट्रेन जो है अभी चल रही है और बढ़ रही है वंगापल्ली स्टेशन की तरफ। तो चलो गाइज फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि अगर कोई भी लाइक क्रॉसिंग होती है तो हम यहाँ से भाई देखेंगे उसको, ठीक है भाई। यहाँ पे रास्ते वास्ते देख लो भाई क्या ही ब्यूटीफुल नजारा हो रहा है यार, मतलब आप लोग भाई मुझे बता सकते हो, तुम लोग बोल रहे थे भाई लोकल ट्रेन की जर्नी लेके आओ यार, लोकल ट्रेन की जर्नी लेके आओ, तो लाइक आज फाइनली हम लोग SCR रूट में यहाँ पे लोकल ट्रेन की जर्नी लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने। तो भाई यहाँ पे सपोर्ट चाहिए भाई अपने को अगर आप लोग चाहते हो ऐसी ट्रेन जर्नीज लगातार आती रहे जबरदस्त जबरदस्त। तो चलो भाई यहाँ पे फिलहाल 3 किलोमीटर रह गया और मैं अभी हल्का सा थ्रॉटल इनफैक्ट में हल्का क्या एकदम जीरो ही कर देता हूँ क्योंकि हमारी ट्रेन जो है अभी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और अभी हमको स्लो डाउन करना है गाड़ी को क्योंकि ज़्यादा दूर स्टेशन रह नहीं है, 2.5 किलोमीटर मात्र दूर है और सामने मुझे दिख रहा है थोड़ा दूर रह गया है बस, वंगापल्ली आने ही वाला है। तो अपने को यहाँ पे आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रोकना है,
तो लेट्स सी, देखते बंगापल्ली पे क्या कुछ ट्रैफिक है और पता चलेगा ना यहाँ पे कोई क्रॉसिंग वगैरह होने वाली है नहीं, यार हमारा कितना हॉल्ट होगा चेक कर लेता हूँ टाइम टेबल में। तो यहाँ पे 11:04 पे अपने को पहुंचना है बंगापल्ली और अभी हमारे पास 4 मिनट है एंड 11:11 पे अपने को भाई डिपार्ट करना है बंगापल्ली से। मतलब कि आप समझ सकते हो 7 मिनट का भाई डिफरेंस है, मतलब 7 मिनट अपने को बंगापल्ली रुकना यार। ठीक है, मतलब देखते हैं भाई थोड़ा तब तक चाय समोसा मंगाएंगे और क्या, बंगापल्ली पे तभी टाइम पास होगा और कैसे होगा। तो चलो भाई अब फिलहाल स्पीड लिमिट कम कर दी है तो मैं हल्का सा ब्रेक डालना चालू करूंगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 दी थी कि यहाँ पे आई थिंक सो हमको मोड़ा जाएगा अभी लूप लाइन के ऊपर, इसीलिए तो आराम से ही लाइक अपने को लूप लाइन पे जाना पड़ेगा अदरवाइज डीरेल होने के भाई पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो भाई अपने कंट्रोल तो फिलहाल कर लिया है, हल्का सा तेज है लेकिन इतने में आराम से लूप लाइन में मुड़ जाएगी। ये लो गाइस अभी हमारे ट्रैक्स यहाँ से चेंज होके 1 पे जाएगी गाड़ी। तो ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इस साइड आ रहा है तो मैं यहाँ पे इस साइड आ जाऊंगा। ओ भाई साहब यहाँ पे WDM 3D के साथ एक और मालगाड़ी खड़ी है गाइस। बाकी ब्रेक्स में डालना चालू कर देता हूँ भाई, ब्रेक्स लगाना भी है भाई। और यहाँ पे एक और WDM 3D खड़ा है भाई, यहाँ पे शंटिंग लोगों को काफी ज्यादा दिख रहा है मुझे बंगापल्ली के ऊपर। और चलो पहले तो फटाफट अच्छे से लगा देते ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म से, ना ही ज्यादा आगे निकले और ना ही लाइक ज्यादा पीछे रहनी चाहिए। अब यहां से गाइस मुझे लग रहा है कि अपने को ट्रेन्स ओवरटेक करके जाने वाली है, तो लेट्स सी देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन्स जो है हमारी ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है अब यहाँ पे बंगापल्ली पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अपने को इतना लंबा हॉल्ट दिया है 7 मिनट का तो भाई ओवरटेकिंग तो होने वाली है, यही है और रीजन, और कोई रीजन हो नहीं सकता है। तो देखते भाई अब कौन कौन सी ट्रेन जो है हमारी ट्रेन जो लोकल ट्रेन है इसको ओवरटेक करने वाली है। और गाइज मैंने आपको वही बताया कि जो ट्रेन है ना इसका लास्ट रन है, मतलब ये ट्रेन का लास्ट रन नहीं है, ये रैक्स का लास्ट रन है, इसके बाद रैक्स बदल जाएंगी और फिर लोकल ट्रेन में आप जर्नी करोगे तो आपको अलग रैक्स मिलेंगी बेसिकली। इसीलिए इसको आप देख सकते हो पूरा मतलब डेकोरेट वगैरह किया गया क्योंकि इसका लास्ट रन है इस ट्रेन का, तो एक टाइम से इसको सी ऑफ दिया जा रहा है। तो चलो भाई यहाँ पे आई थिंक सो फिलहाल हमारी ट्रेन परफेक्टली लग चुकी है, आप सामने देख सकते हो प्रॉपरली रेड सिग्नल मुझे दिख रहा है और यहाँ पे मैं अब ब्रेक्स मार देता हूँ भाई। ओके गाइस हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट सुन लीजिए आप लोग, जब तक ट्रेन नहीं आती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0, 7, 4, 6, 2 सिकंदराबाद से चलकर वारंगल तक जाने वाली स्पेशल। चलो भाई यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए चाय की व्यवस्था कर दी गई है तो आप लोग ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। अभी फिलहाल चाय समोसे हमारे गर्मा गर्म रेडी हुए भाई बंगापल्ली स्टेशन पे। लेकिन भाई फिलहाल मैं पता किस चीज का वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई कौन सी ट्रेन जो है ओवरटेक करके जाने वाली है। मुझे लग रहा भाई एक ओवरटेकिंग तो नहीं होनी चाहिए, प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि शायद 2 ओवरटेक हो सकती है। देखो अभी एक ट्रेन निकलेगी तो अपने को और क्लियरिटी आ जाएगी कि कितनी ओवरटेकिंग होने वाली है, लेकिन फिलहाल पता नहीं, ट्रेन मुझे लग रहा है यहीं से आने वाली क्योंकि सिग्नल आगे का ग्रीन है, दैट्स व्हाई। तो ऑलराइट गाइस यहां पे भाई इंतजार फिलहाल हमारा खत्म हो चुका है फाइनली और आप देख सकते हो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं वैब 7 के साथ उत्कृष्ट कोचेस के साथ कोई तो भाई ट्रेन आ रही है यहां पे फिलहाल जो कि लाइक अपने को ओवरटेक करके जाने वाली है बंगापल्ली से, एकदम भाई फुल स्पीड में आ रही है यहां पे और भाई हमारी ट्रेन जो है ओवरटेक होने वाली है। तो तैयार हो जाइए भाई एकदम जबरदस्त फास्ट क्रॉसिंग के लिए। यहां पे ये ट्रेन है गाइस 03226 सिकंदराबाद दानापुर स्पेशल फेयर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाइस वेब 7 लोको के साथ यहां पे हमारी मेमू ट्रेन को ओवरटेक कर दिया रही है। ऑलराइट गाइस तो यहाँ पे भाई ओवरटेक हो चुका है, अब आई थिंक सो कितना टाइम हो गया लेट मी चेक, अपने को यहाँ से निकलना है थोड़ी देर बाद। टाइम देख सकते हो 11:09 हुआ है बट 11:11 पे निपटना है गार्ड साहब, अभी 11:09 हुआ है। ओके तो गाइस यहाँ पे फिलहाल अपने को सिग्नल दे दिया गया है
तो मैं काम करता हूँ फटाफट जो है गाइस, टूर व्यू में चलता हूँ या फिर इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ ड्रोन व्यू में चलते हैं हम, और अभी हल्का सा जर्नी करते हैं ड्रोन व्यू के अंदर। तो चलो भाई एक मैं फटाफट जो है हॉन्क मारता हूँ ताकि जो भी लाइक हमारे बंदे बाहर वगैरह घूमने निकले हैं वापस से ट्रेन के अंदर आ जाए, और लाइक कोई भी हम बंदे को छोड़े ना यहाँ पे बंगापल्ली पे, वरना फिर उसको दूसरी ट्रेन पकड़ के आनी पड़ेगी। चलो गाइस यहाँ पे ट्रेन जो है हमारे फिलहाल धड़कना चालू हो चुकी है, हल्का सा और थोड़ा बढ़ाता हूँ भाई यहाँ पे 15% पे डाल दिया मैंने अभी हल्का सा। यार क्या है ये लोकल ट्रेन जो है ना इसमें लोकोमोटिव उतने पावरफुल नहीं होते तो हल्का सा एक्सेलरेशन काफी स्लो जाता है इसका। अभी यही पे भाई वेब 7 या फिर वेब 4 होता तो अभी स्पीड पकड़ लेता आराम से 30-40 के ऊपर निकाल देता इतनी देर में। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे गाइस अपने को मेन लाइन स्पीड की क्लियरेंस मिल चुकी है तो अपने को 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मेन लाइन पे चलाना है फिलहाल, ये अपने को इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं। तो फिलहाल तो गाइस जब तक हमारे जो है ट्रैक चेंज नहीं होते तब तक तो हम 30 के आसपास ही चलने वाले हैं, और ट्रैक चेंज होने के बाद हम लोग भाई मेन लाइन स्पीड को फॉलो करेंगे 80 किलोमीटर पर आर। ठीक है गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेन है वो अभी फिलहाल मेन लाइन के ऊपर जा रही है। भाई फील तो है यार, मतलब इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में और इंडियन ट्रेन जर्नीज में भाई ये देख लो भाई क्या ही भाई रियलिस्टिक लग रहा, मतलब मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया होगा इस। अगर तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो भाई यहाँ पे फिलहाल जो है मेन लाइन पे हम चढ़ चुके हैं, अब हल्का सा थ्रोटल बढ़ाना चालू करते हैं। इनफैक्ट मैं उसको अभी 80 पे डालता हूँ क्योंकि हमने को लेट नहीं हो रहा है, हमारा टाइमिंग क्या पहुंचने का एलर स्टेशन है 11:22, तो हमारे पास गाइस 10 मिनट है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर कवर करने के लिए, आई थिंक सो हम कर सकते हैं। हल्का सा यहाँ पे गाइस कर्व पे अभी ट्रेन, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगा ताकि आपको कर्व का नजारा दिखा सके। देखिए अभी धीरे धीरे भाई स्पीड पकड़ रही है हमारी ट्रेन अभी। भाई गाइस आप हमारे राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे हाईवे निकला हुआ है और काफी ज्यादा लाइक बिजी लग रहा है यहाँ पे हाईवे, यहाँ पे रेस लगा रहे हैं फिलहाल। ये देखो ऑटो जा रहे हैं आगे, तो क्या हम जो है इनसे आगे निकल सकते हैं, लेट्स सी। पीट तो करना चाहिए यार मेरी ट्रेन को, ऑब्वियसली यार मेरी ट्रेन है, बट देखते भाई ऑटो भी लाइक काफी ज्यादा गति में जा रहे हैं यहाँ पे। ऑटो गायब हुए, कहाँ गए भाई ऑटो। चलिए गाइस यहाँ पे रेल रोड क्रॉसिंग, आप देख सकते हो भाई क्या ही ब्यूटीफुल रेल रोड क्रॉसिंग, बट यार मुझे अभी ऑटो नहीं दिख रहा, शायद लग रहा रेस हार गया क्या मैं ऑटो से। अरे वो जा रहे गाइस, कम ऑन क्या आप जीत सकते हैं भाई, दो के दो ऑटो को पछाड़ दे सकते हैं, लेट्स सी। पछाड़ देगी यार, पछाड़ देगी, इजीली पछाड़ देगी क्योंकि अभी जो है स्पीड पकड़ ली है गाड़ी ने। 80 पे डालता हूँ गाइस मैं यहाँ पे थ्रॉटल क्योंकि ऑलमोस्ट 130 की है, तो अभी बढ़ने देते हैं अपनी ट्रेन को एकदम भाई टॉप नॉच चलने दो अभी। भाई गाइस यहाँ पे जबरदस्त क्रॉसिंग, पता नहीं भाई कौन सी ट्रेन है ये, कोई तो लाइक सुपर फास्ट ट्रेन थी ये, मैंने ध्यान से देखा नहीं, पर भाई ये देख लो भाई क्या ही प्यारी क्रॉसिंग है। एक्चुअली यार मैं रेस में बिजी था वो ऑटो के साथ और एकदम से क्रॉसिंग आ गई, तो चक्कर में लाइक मैं देख नहीं पाया शायद कौन सी ट्रेन थी है। बट यहाँ पे गाइस जबरदस्त फिलहाल जो है हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है, 100 के ऊपर जा चुकी है अभी गाड़ी, और अभी हो रहा है गाइस 11:14 का टाइम एंड 11:22 पे आराम से पहुंच जाइए, 7 किलोमीटर और है। अब बढ़िया से भाई एकदम एक्सेलेटर पे पैर रख के खींचने देते भाई ट्रेन को स्पीड, ठीक है एकदम मस्त हॉकिंग के साथ बढ़ने देते भाई ट्रेन को भी। ये देख लो भाई तुम लोग क्या है भाई ट्रैक्स और भाई जबरदस्त सारे, लाइक पहली बार मैं जर्नी कर रहा हूँ यहाँ पे मीमू ट्रेन के साथ तो ये वाले रैक्स मैंने कभी यूज नहीं किए हैं, तो लाइक मेरी ये पहली जर्नी होगी जिसमें मैं ये वाले रैक्स यूज कर रहा हूँ, मतलब ये सिनेरियो के अंदर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैक साउंड अच्छे यार इसके व्हील, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कितने अच्छे होंगे, बट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है बट बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, तो ओके ओके ट्रैक साउंड है। बाकी गाइस आप लोग भी मुझे कॉमेंट कर सकते हो कि आप लोग को ट्रैक साउंड कैसे लग रहे हैं मेमू रैक्स के, लोकल रैक्स है जो हमारे। बाकी आप लोग को पता ही है भाई सबसे बढ़िया जो ट्रैक साउंड देते हैं वो तो भाई आईसीएफ कोचेस देते हैं, मतलब मजा ही आ जाता है भाई उनको सुन के,
एंड जो अपने LHB कोचेस हैं वो क्योंकि वो भी उनमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन आएगा इन फ्यूचर शायद, तो और अच्छे हो जाएंगे। बट अभी तो भाई जो उत्कृष्ट कोचेस एंड उत्कृष्ट भी नहीं मतलब ICF कोचेस जो वो भाई जो मजा देते हैं ना वो कोई भी यहाँ पे रैंक्स नहीं देते अपने को। और चलिए भाई यहाँ पे फिलहाल अपने को मजे के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि एलर अब जो है आने वाला है, तो यहाँ पे भाई थ्रॉटल मैं जीरो कर देता हूँ क्योंकि अभी मात्र 4.5 किलोमीटर रह गया यहाँ से एलर। और उसके बाद गाइज हमारा रहने वाला है एक और स्टेशन बम्बाती एंड देन चनगांव। बट चलिए गाइज यहाँ पे बातों पे हम फिलहाल एलर स्टेशन आ चुके हैं और अब मुझे थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं ब्रेक्स दे रहा हूँ 50%। भाई ट्रेन चलाना आसान काम नहीं है यार, लिटरली बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता भाई, अगर थोड़ी सी भी भाई गलती कर दी यहाँ पे तुरंत भाई दुर्घटना हो सकती है। बाकी आई थिंक सो काफी ज्यादा स्लो गई यहाँ पे ट्रेन, वो भी अपने को लाइक देखना है कि बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करनी है। अभी मैं इसको 27% पे डाल के रखता हूँ, थोड़ा होने दो इसको ऑटोमेटिकली स्लो। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है अराइव कर रही है यहाँ पे एल स्टेशन, और हल्का सा स्लो हो जाएगी तो 30-35 के आसपास घुसेंगे अब। बट भाई आप लोग नजारा देखो यार, एकदम बस्ती बस्ती है यहाँ पे, और भाई क्या ही लग रहा है यार। ये रूट तो भाई है रियलिटी और रियलिस्टिक के नाम पे, भाई ये रूट ने जो भाई मजा दिया है लिटरली वो। अब भाई और भी लाइक जो रूट है ना हमारे FLG के अंदर या रेलवर्क्स के अंदर, वो सब फीके लगने लगे यार इस रूट के सामने। हमारा 1.5 किलोमीटर रह गया है मात्र एलर स्टेशन, और अभी गाइज हमारी जो ट्रेन मेंटेन कर रही है स्पीड 31 किलोमीटर पर आवर, आई थिंक सो बेटर है क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रैक शो जाने वाले गाइज, हम जाने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये देख लो गाइज, अगर मैं हल्का सा जूम करूँ यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको स्टेशन अभी दिख जाएगा एलर का, दिख रहा है? 1 मिनट गाइस, स्टेशन तो मुझे दिख रहा है, स्टेशन के साथ साथ मुझे एक और चीज दिख रही है भाई यहाँ पे, तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो क्या? ये वही ट्रेन है ना जो अपने को ओवरटेक करके निकली थी अभी पीछे वाले स्टेशन पे वंगापल्ली पे। भाई मुझे तो ये वही ट्रेन लग रही है और आई थिंक सो उसके साथ कुछ समस्या हो गई है भाई, और अब हम इसको ओवरटेक करने वाले हैं क्या? भाई साहब ये तो मतलब कुत्ते बिल्ली वाला भाई रेस चालू हो गया यार यहाँ पे, मतलब हमारी लोकल ट्रेन को ओवरटेक करके निकली वो ट्रेन, अब हमारी लोकल ट्रेन इस ट्रेन को ओवरटेक करेगी। और ऑब्वियसली पता ही है सुपरफास्ट ट्रेन आगे वाली, शायद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऐसा कुछ नाम था, तो फिर ही ओवरटेक करेगी मुझे, ये क्लियर है क्योंकि लोकल ट्रेन ऑब्वियसली इससे आगे नहीं चल सकती। बट अगर ये खराब हुई होगी यहाँ पे तो फिर भाई ये दोबारा से अपने को ओवरटेक करेगी आगे आने वाले स्टेशन पे। भाई मजा आने वाला है, मतलब अब तुम देख लो भाई कितना ज्यादा ट्रैफिक और भसड़ मचने वाली है इस एपिसोड में। चलो गाइस यहाँ पे फिलहाल हमारे ट्रैक चेंज हो चुके हैं और हम अराइव कर चुके हैं यहाँ पे एलर स्टेशन को। यहाँ पे मेन लाइन पे खड़ी है, मतलब पक्का भाई कुछ इशू है, अदरवाइज इसको लूप लाइन में डाला जाता 100% भाई कुछ इशू है इसके साथ। ये वही ट्रेन है ना, लेट मी चेक। बाकी गाइज हमारे और राइट साइड में आप देखोगे एक WDC 4D खड़ा है, ये इसको रेस्क्यू करने के लिए आया है क्या? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा है वो। हाँ आप देखो ना गाइज ये रेस्क्यू इंजन है और ये वही ट्रेन है भाई। चलो भाई यहाँ पे अपने को परफेक्टली जो अभी लगा लेनी ट्रेन। भाई नजारा देखो यार। हाँ जी बताइए, काफी लाइक स्पीड में यहाँ पे ओवरटेक मारा था भाई हमारे लोकल ट्रेन को और हमने भाई कवर अप कर लिया तुम्हें। आप हमारे पीछे हम आपके पीछे, टू मच फन। चलो भाई यहाँ पे हॉन्ग के साथ फिलहाल प्लेटफॉर्म 1 के अंदर एंट्री कर चुकी है हमारी लोकल मीमू ट्रेन। थोड़ा सा और आगे फिर उसके बाद जो है ब्रेक्स लगा देंगे। यहां पे एक बार मैं एक और चीज चेक कर लेता हूं गाइस, 11:22 का हमारा अराइवल है और 11:37 पे अपने को डिपार्ट करना है।
भाई अच्छा खासा रुकना पड़ेगा यहाँ पे भी। अब पता नहीं लाइक इसको हम ओवरटेक करने वाले हैं या फिर ये फिर से लाइक ओवरटेक करेगी हमें, क्योंकि इतना अगर रुका गया है तो फिर भाई ऑब्वियसली यार ओवरटेक तो हो गई। बट आप देख सकते हो हमारी ट्रेन गाइस एकदम ऑन टाइम लगी है, अगर आपने नोटिस किया है तो। परफेक्ट गाइस, आप देख सकते हो भाई यहाँ पे एसी कोचेस के पास आराम से हमारी ट्रेन जो है लग चुकी है एलर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब चलो भाई थोड़ा सा चल के चेक करके आया जाए कि सीन क्या हुआ है यहाँ पे, ये कौन सी ट्रेन है। लाइक मुझे तो वही पता है दानापुरी होगी जहाँ तक, बट ये रुकी क्यों है यहाँ पे, समस्या क्या है। अवेट फर्दर इंस्ट्रक्शन। ओके ये वही है गाइस। ये हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट चल रहा है गाइस अभी। बाकी गाइस अगर आप देखोगे सामने की तरफ मुझे दिख रही है भाई यहाँ पे एक माल गाड़ी और यहाँ पे भी एक ट्रेन है। अगर आप आगे देखोगे, ओके स्टेशन मास्टर जी बताइए। व्हाट? बट ड्यू द एक्सीडेंट नियर द ब्रिज मेनी ट्रेन्स वेटिंग ऑन द लाइन। एक्सीडेंट हुआ है गाइस यहाँ पे फ्रेट ट्रेन का। थैंक यू। ब्रिज के ऊपर लेट्स सी भाई देख के आते हम लोग। अरे तेरी भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया भाई। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल वैग 9 यहाँ पे इंजीनियर्स खड़े हुए हैं और ये देखो सारी पटरी यहाँ पे डीरेल हो गई है। अरे ये देखो सामान गाइस नीचे पड़ा हुआ है, जेसीबी उठा के क्लीन कर रही है भाई। खतरनाक भाई साहब। और यहाँ पे भाई एक और ट्रेन खड़ी हुई है, लेट मी चेक ये कौन सी ट्रेन है। एक मिनट भाई ये तो बवाल हो गया भाई, मुझे ये पता नहीं था कि कुछ ऐसा सीन होने वाला है। दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी है 12791 और पीछे वाली वो स्पेशल फेयर ट्रेन जिस हमने को ओवरटेक करके आई थी वो ट्रेन खड़ी हुई है। और ये गाइस आप देख सकते हो नीचे की तरफ सारी की सारी वोगीज पड़ी हुई है, मतलब भाई यहाँ पूरा पूरा डिरेलमेंट हो गया। सारे के सारे कंटेनर्स आप देख सकते हो नदी में जाके गिर चुके हैं और कुछ कुछ वॉगीज भी जाके लाइक नदी में गिर चुकी हैं, जिसका लाइक काम आप देख सकते हो चल रहा है। यहाँ पे जेसीबी भाई क्लीन कर रही है उस चीज को। तो पता नहीं गाइस यहाँ पे अब मुझे नहीं लग रहा भाई क्लियरेंस अपने को इजीली मिलने वाला है। आप देख सकते हो भाई सारे के सारे पैसेंजर्स उतर के नीचे आ चुके हैं भाई ट्रेन के, लोग एकदम पूरा डरे हुए लग रहे हैं मुझे चारों तरफ। और ये वाला तो भाई पूरा मुझे लग रहा ब्लॉक ही कर दिया जाएगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत डैमेज तो मुझे दिख रहा है इन पटरियों पे भी। बट यार फ्रेट ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ कैसे, लाइक इसकी बोगियां डीरेल कैसे हो गई, कुछ हो सकता है या फिर कुछ सामान वगैरह आ गया हो ये ब्रिज पे, या हल्का फुल्का कोई जॉइंट वगैरह खुल गया हो पटरियों का, ये भी रीजन हो सकता है। मुझे फिलहाल कोई कन्फर्मेंस नहीं है अभी, अब वो तो पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो गाइज अपने को आइडिया लग जाएगा कि क्या सीन है और क्यों ऐसा हुआ। बट भाई यहाँ पे सारी की सारी ट्रेन जो है ना फिलहाल होल्ड पे, आप देख सकते हो। देखते भाई अभी क्या क्लियर होगा यहाँ पे। ये देख लो भाई यहाँ पे पूरा भी नज़ारा दिया जा रहा है अपने को, काम एकदम भाई फुल स्पीड में चालू है, क्लीन करा जा रहे हैं ट्रैक्स ताकि जल्दी से जल्दी जो है ना क्यों ट्रेन है वो आगे बढ़ सके। बट मुझे इतना आसान लग नहीं रहा ये कि ईजिली हो पाएगा। वो तो अच्छी चीज़ ये है कि गाइज नदी उतनी गहरी नहीं थी अदरवाइज, और ये फ्रेट ट्रेन थी सबसे मेन चीज, अगर यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन होती तो फिर और ज़्यादा एक मुश्किल हो जाता। तो भाई फिर आप समझ लो ये जो हमारी ट्रेन जा रही है ना यहीं पे एलर पे रोक दी जाती या फिर रद्द कर दी जाती, फिर तो बहुत मुश्किल था या फिर कुछ अलग ही जुगाड़ किया जाता, क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो ब्रिज पे हुआ है। अगर थोड़ा इधर उधर होता तो एक आध जो है टेम्पररी ट्रैक डाल के वो साइड से कर दो, बट आप ब्रिज थोड़ा बना दोगे यार, आपको ब्रिज तो चाहिए चाहिए। अब एक ही चीज होती है कि वहां पे टेम्पररी ट्रैक्स डाल दिया जाए और उसके बिहाफ में क्या करा जाएगा कि वो ये वाला जो ब्रिज है ना ये जिस पे अपना ये सुपरफास्ट ट्रेन खड़ी हुई है दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये वाले ब्रिज को कनेक्ट करके यहां से ट्रेन पास कराई जाए, यही एक ऑप्शन दिख रहा फिलहाल के लिए मुझे। अब लेट्स सी क्या करते हैं यहाँ पे स्टेशन मास्टर और बाकी सब ऑफिशियल्स वगैरह यहाँ पे रेलवे के। बट लेकिन यार ये बहुत ही भारी सीन हो गया, अभी ये दानापुर को क्लियर करा जाएगा तो फिर आई थिंक तो काम हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई दानापुर को क्यों रोक रखा है,
लाइक दानापुर पे क्या डिपेंडेंसी है, दानापुर को बढ़ाओ यार आगे, तभी तो भाई क्लियर होगा ये लाइन, एटलीस्ट यहाँ की ट्रेन्स तो निकलेगी भाई कम से कम। तो गाइज यहाँ पे फिलहाल काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है वो ब्रिज को क्लीन करने में, और जो ये फ्रेट ट्रेन नीचे गई है वहां पे ब्रिज के, उसको वापस से रिस्टोर करने में। तो गाइज हमको यहाँ पे एपिसोड को मजबूरी में करना पड़ेगा यहीं पर एंड, एंड उसके बाद गाइज जैसे ही क्लीन होता है यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस एपिसोड को अगले वाले पार्ट में। तो गाइज यहाँ पे भाई इस एपिसोड करते लोग यहीं पर एंड, क्योंकि भाई आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, दैट्स वाई। बाकी गाइज अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वो बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए, एंड मिलते हैं गाइज आपसे जो है अगले पार्ट में, जब जैसे क्लियर हो जाएगा ये ब्रिज वगैरह हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी और कंप्लीट करेंगे ये हमारी लोकल ट्रेन की जर्नी को। चलो अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है, और ऑब्वियसली फ्रेट ट्रेन थी तो मतलब नुकसान इन द सेंस वही है सामान का नुकसान है, बट कोई भी पर्सन की उसका नुकसान नहीं है, लाइफ का कोई भी पर्सन की लाइफ का नुकसान नहीं है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली फ्रेट ट्रेन थी तो उसमें तो भाई पर्सन जाता नहीं है, बाकी ड्राइवर सेफ है और जो पीछे गार्ड है वो भी एकदम सेफ है। तो मिलते हैं गाइस आपसे जो अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिए अपना एंड गुड बाय।